आप देख रहे हैं देश खबर 24 और इस वक्त खबर है रीवा से, जहां रीवा शहर के कटरा मोहल्ले में रहने वाली एक महिला कोरोना संक्रमित निकली है। इस महिला को बीते दिन पैर में तकलीफ होने पर ऑपरेशन के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशन से पहले इस महिला की कोरोना जांच कराई गई, जिसमें वह रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बता दें कि कोरोना संक्रमित इस महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष है और जिस कटरा मोहल्ले की यह महिला रहने वाली है वह शहर के बीचों बीच स्थित है। बता दें कि कोरोना संक्रमित पाई गई महिला को बीते 3 दिनों से पैर का उपचार कराने के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आते ही उपचार करने वाले चिकित्सक सहित अस्पताल के स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इधर प्रशासन महिला के परिवार और रिश्तेदारों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाल रही है। बता दें कि रीवा शहर के बीच पॉजिटिव पाई गई महिला में खास बात यह है कि महिला कहीं बाहर से नहीं आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि महिला आखिर किसके संपर्क में आने से संक्रमित हुई है। बता दें कि शनिवार की रात महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही कटरा मोहल्ले के उस एरिया को सील करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इधर रीवा में कोरोना मरीजों की बात करें तो यहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 52 हो गई है, जिनमें से 36 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, तो वहीं 13 अब तक एक्टिव केस बचे हैं।